स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन है इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो हमने इसको रिवर्स करते हैं, टेन और कॉट रिवर्स, कॉट इक्वल्स टू होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, और टेन थीटा भी इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा। तो टेन का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, उसका रिवर्स क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला। तो बेस यहाँ पे इससे कंपेयर कराया हमने, 7 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 8 हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपको बता रहा हूँ। तो बेस को हम लोग 7 के ले लेंगे और परपेंडिकुलर को 8 के ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8k² प्लस 7k². तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको एडअप करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, सिक्स फाइव इलेवन वन वन थ्री के स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए सी हमको निकालना है, ए सी क्या आ जाएगा, रूट 113 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो पार्ट, इस क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालिए। तो पहले हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन को आगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए सी हमने क्या निकाला अभी, रूट 113 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हमारे पास आएगा, ए बी है 8k, ओके, डिवाइडेड बाई रूट 113 के, के के कैंसिल हो जाएगा, 8/√113। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इधर कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। BC कितना है 7k, हाइपोटेनियस कितना है √113 के, के के अगेन कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 7/√113। अब देखिए हमको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट हमको क्या गिवन है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इधर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ये देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अगेन ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर, लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा तो आपने निकाला है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, 1 माइनस साइन थीटा आपने क्या निकाला, 8/√113, लेकिन इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 64/ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49, ओके, 1 माइनस 49/113। इसको सॉल्व करते हैं और, ये कितना आ जाएगा बताइए, 113 माइनस 64, ओके, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, 113,
अगेन ये हमने एलसीएम से सॉल्व किया है, 113 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाई 113, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 6 49 डिवाइडेड बाई 113, ओके अपॉन ये कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113। इसको और सॉल्व करते हैं, अब तो लास्ट है ये 49 अपॉन 113 इंटू ये अपॉन में है, ओके जैसे आप ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, वैसे ही इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 113 अपॉन 64, 113 कैंसिल सो वी हैव गॉट द आंसर 49 अपॉन 64। ये क्या है आपका, इसका क्या है रिजल्ट है, ओके ये आपको स्टेप यहाँ पे लिखना है लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो ये कितना आ गया 49 अपॉन 64। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं देखिए बहुत कम स्पेस लेके आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बहुत सिंपल है। कॉट थीटा आपने क्या, आपको गिवन था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या था 7/8, इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर ही तो निकालना है, तो 49 अपॉन 64। सो ये हमने क्वेश्चन कर दिया, सॉल्व कर लिया, ओके सिंपल था। एक बार इसको सॉल्व करिएगा और रिवाइज करिएगा।